नमस्कार, आई एम हेमलता शर्मा फ्रॉम जीके जैन प्राइमरी स्कूल। आज हम सामाजिक विज्ञान में त्योहार के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले आपको हमारा यूट्यूब चैनल जीके जैन स्कूल्स का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो याद रखना बच्चों, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलो बच्चों, पाठ शुरू करते हैं। भारतीय त्योहार। त्योहार का नाम सुनते ही सब खुशी से झूम उठते हैं। हमारे भारत में कई तरह के लोग, कई धर्म के लोग होते हैं और कई लोग अपने अपने त्योहार अपने रीति रिवाज के साथ मनाते हैं। तो आज हम इस पाठ के द्वारा राष्ट्रीय त्योहार, धार्मिक त्योहार और मौसमी त्योहार के बारे में जानेंगे। तो बच्चों, राष्ट्रीय त्योहार। राष्ट्रीय त्योहार वो होता है जो पूरे राष्ट्र में धूमधाम से मनाया जाता है, जैसे कि स्वतंत्रता दिवस यानी इंडिपेंडेंस डे, यह 15 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन हमारा भारत आजाद हुआ था। दूसरा, गणतंत्र दिवस यानी रिपब्लिक डे, यह त्योहार 26 जनवरी को मनाया जाता है। गांधी जयंती, यह त्योहार 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्मदिन के उपलक्ष में मनाया जाता है। शिक्षक दिवस जो 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो बच्चों, ये हमारे राष्ट्रीय त्योहार है। आज हम राष्ट्रीय त्योहार के ऊपर एक गाना सुनाऊंगी। तो बच्चों, अभी आपको मेरे साथ एक गाना मैं आपको सिखा रही हूँ जिसे आपको सीखना है और मेरे साथ गाना है। तो चलो बच्चों, गाना शुरू करते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशिता हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा। तो बच्चों, कैसा लगा गाना? तो इस गाने को आपको घर पे प्रैक्टिस करना है, ताकि जब हमारे स्कूल में जब स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस मनाया जाए तब आप सभी बच्चे पार्टिसिपेट करें और ये गाना गाएं। दूसरा त्योहार है धार्मिक त्योहार। धार्मिक त्योहारों में दीपावली, होली, ईद, क्रिसमस, रक्षाबंधन, गणेश चतुर्थी, महावीर जयंती आदि है। दीपावली जो दीपों का त्योहार कहा जाता है, होली रंगों का त्योहार, ईद मुसलमान के धर्म के लोग मनाते हैं, क्रिसमस क्रिश्चियंस मनाते हैं, रक्षाबंधन जो भाई बहनों का त्योहार है, गणेश चतुर्थी जो हिंदू धर्म के लोग का त्योहार है, महावीर जयंती जो जैन धर्म के लोगों का त्योहार है। मौसमी त्योहार पोंगल और बैसाखी। पोंगल जो तमिलनाडु का मुख्य त्योहार है, यह पर्व 3 दिन तक मनाया जाता है। इन 3 दिन पर्व पर पोंगल, माट पोंगल, कानम पोंगल मनाया जाता है और तमिलनाडु में इसे बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और वैशाखी, यह पंजाब का मुख्य त्योहार है और इसे भी धूमधाम से मनाया जाता है। तो बच्चों, अभी हम इन सब त्योहारों के बारे में थोड़ा विस्तार से और जानेंगे। फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ कई धार्मिक पर्व और राष्ट्रीय पर्व मनाए जाते हैं। गांधी जयंती, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस देश में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पर्व है। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को
आजादी मिली थी और तभी से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह स्वतंत्रता दिवस उन स्वतंत्र सेनानियों को सम्मान देने के लिए भी मनाया जाता है जिन्होंने हमारे देश की आजादी के लिए निस्वार्थ रूप से अपने प्राणों का बलिदान दिया। प्रत्येक वर्ष उनके इन वीर कार्यों के लिए उन्हें याद किया जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता सेनानियों की बहादुरी का वर्णन करने वाले भाषण महान आत्माओं को सम्मान करने और देश के युवाओं को प्रेरित करने के लिए दिए जाते हैं। इस दिन देश भर में विभिन्न स्थानों पर ध्वजारोहण के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। गणतंत्र दिवस। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रारूप में आया था। इसे हमारे देश के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण दिन के रूप में माना जाता है। संविधान के गठन के साथ भारत एक प्रमुख देश बना और तभी से 26 जनवरी को पूरे देश भर में अति उत्साह के साथ मनाया जाने लगा। गांधी जयंती। हर साल 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। यह दिन सबसे ज्यादा प्रिय होता है। धार्मिक त्योहार। हमारे भारत में कई धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं। दीपावली, दशहरा, होली, क्रिसमस, गुरु नानक जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, ईद। दीपावली। दीपावली हमारे देश का मुख्य त्योहारों में से एक है। लोग इसे बहुत खुशी और उत्साह के साथ मनाते हैं। त्योहार से लगभग 1 महीने पहले अपने उत्साह की तैयारी शुरू होती है। देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और इस उत्सव को जश्न मनाने के लिए फटाके जलाते हैं। पूरे देश में इस दिन रोशनी होती है। यह दीपों का त्योहार है। दशहरा। दशहरा हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत को भी प्रदर्शित करता है, अर्थात पाप पर पुण्य की जीत। लोग इसे कई रीति रिवाज और पूजा पाठ के द्वारा मनाते हैं। होली का पर्व हिंदुओं के द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। सभी लोग इस दिन अपने सारे किले शिकवा भुलाकर एक दूसरे को गले लगाते हैं और रिश्तों में रंग भरते हैं। क्रिसमस। ईसाई समुदाय के लिए क्रिसमस एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह एक प्राचीन उत्सव है। प्रभु ईसा के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। पारिवारिक सदस्यों के सभी को सांता क्लॉज के द्वारा क्रिसमस को मध्य रात्रि में उपहार बांटने की बड़ी परंपरा है। ईद का त्यौहार इस्लामी माह शव्वल के पहली तारीख को मनाया जाता है। इससे पहले रमजान का महीना आता है, जिसे मुसलमान भाई बड़े पवित्र महीना मानते हैं। पूरे दिन रोजा रखते हैं और दिन भर कुरान शरीफ का पाठ करते हैं। गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गुरु नानक देव जी की जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 15 जनवरी को पूरे भारत में मकर संक्रांति का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन तिल गुड़ के पकवान का आनंद लिया जाता है और पतंग उड़ाई जाती है। बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू। टिल देन टेक केयर। विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।